हो जो एक्सिनोस है वो स्नैपड्रैगन को बीट कर दे। जी हाँ, कुछ ऐसे टाइप की बातें पॉसिबल हो सकती हैं और ये बात शायद से हो सकती है 2021 में। और पहली बार ऐसा लगेगा हमको कि जो एक्सिनोस चिपसेट्स होते हैं ना सैमसंग के, वो स्नैपड्रैगन से आगे निकल गए। तो वेल, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करने वाले। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आखिर एक्सिनोस स्नैपड्रैगन को बीट कर दे, खबर आपको आई कहां से। तो सबसे पहले देखा जाए तो गीक बेंच स्कोर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली थी। वो पता चला था कि अपकमिंग गैलेक्सी S21 जिसमें एक्सिनोस की 1000 चिप लगने वाली है उसके ऊपर गीक बेंच किया गया, और स्नैपड्रैगन 875 वाले अपकमिंग मी 11 के ऊपर गीक बेंच टेस्ट किया गया, और उसके अंदर जो स्कोर ज्यादा निकला ना वो एक्सिनोस का निकला। और इसके पीछे का रीजन क्या आप लोगों को मालूम है? क्योंकि इस बार के जो नेक्स्ट जनरेशन चिपसेट्स होने वाले ना 2021 के, उनके अंदर आपको नए ARM के जो कॉर्टेक्स कोर्स होते ना वो देखने को मिलेंगे, यानी कॉर्टेक्स X1 और कॉर्टेक्स A78 आर्किटेक्चर वाले कोर्स। जी हां, अब देखा जाए तो ARM ने क्या किया है कि 2021 के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स को डिजाइन किया है जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स के अंदर बन सकते हैं। और उसमें से जो दो मेन इंपॉर्टेंट कोर्स है ना वो है कॉर्टेक्स X1 और कॉर्टेक्स A78। अब देखा जाए तो ऑलरेडी हमें फोन्स के अंदर कॉर्टेक्स A77 आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा था जिसके अंदर आपको सिंगल थ्रेड के अंदर काफी कमाल की परफॉर्मेंस थी। लेकिन कॉर्टेक्स A78 इसको थोड़ा ऊपर ले गया, इसको बनाया गया 5nm की टेक्नोलॉजी पे, यानी कंपनीज जो इंप्लीमेंट कर रही है स्कोर को वो 5nm बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर इंप्लीमेंट कर रही है, जिससे ये हुआ कि डाई का जो साइज है वो छोटा हो गया, कोर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को घुसा सकते हो, और सबसे बड़ी बात यह कि आप इसके अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो परफॉर्मेंस पर वॉट होता है यानी कि आपको बैटरी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन होता है वो कम हो गया और परफॉर्मेंस में माइनर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो कॉर्टेक्स A78 का मेन मकसद ये था कि A77 जैसी उसे थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले, लेकिन जो पावर कंजम्पशन होता है, जो बैटरी लाइफ होती है, वो आपको कॉर्टेक्स A78 में ज्यादा देखने को मिले। ये कॉर्टेक्स A78 का फर्क था। और वही बात करें कॉर्टेक्स X1 की, तो इसका मेन मकसद ये कि आपको प्योर परफॉर्मेंस निकालनी है, इसका बैटरी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा है, इसका मेन फोकस रखा है कि सिंगल कोर वाला कॉर्टेक्स X1 का एक हाई एंड प्रोसेसर बनाओ जिसके अंदर आपको सिंगल कोर के अंदर ही बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिले। जी हाँ, और सैमसंग ने यहाँ यही किया। सैमसंग ने क्या कि कॉर्टेक्स X1 का जो प्रोसेसर होता है वो लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा ओवरक्लॉक कर दिया। स्नैपड्रैगन 875 में फिलहाल के लिए खबर यह कि X1 चिपसेट को इतना ज्यादा ओवरक्लॉक नहीं किया गया है। तो जो सिंगल कोर के अंदर जो ओवरक्लॉकिंग वगैरह करी गई ना, इससे जो सिंगल थ्रेड की परफॉर्मेंस है स्पेशली गीक बेंच वगैरह में, वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है एक्सिनोस वाले चिपसेट के अंदर, क्योंकि इस चीज को वहां पे ओवरक्लॉक किया गया है। और ऑलमोस्ट जो डिजाइन आर्किटेक्चर होने वाला एक्सिनोस का और स्नैपड्रैगन का, जो प्रोसेसर वाला पार्ट है CPU वाला, वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर होने वाला है। अगर वहीं बात करें कॉर्टेक्स X1 की, तो यहां पे आपको कितना बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो एज कंपेयर टू इस साल के अगर हम कॉर्टेक्स A77 से कंपेयर करें, तो यहां पे आपको 30% का जो परफॉर्मेंस बूस्ट होता है वो देखने को मिलेगा। A78 के कंपैरिजन में 23% ज्यादा फास्ट है, लेकिन A78 है ना वो आपकी ज्यादा बैटरी बचा सकता है। तो एग्जैक्टली जो कंपनीज क्या कर रही है, ये कॉर्टेक्स X1 होगा ना, ये आपको अगले साल के जितने भी हाई एंड प्रोसेसर होंगे सिर्फ उन्हीं में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी, इसको डेवलप करना महंगा है, इसलिए आपको सिर्फ जो हाई एंड प्रोसेसर्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। और कॉर्टेक्स X1 है ना, ये क्लोथा कोर्नियो का। कंपनीज क्या करेंगे, ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर को डेवलप कर रही है जिसके अंदर क्या कि 3 क्लस्टर्स दिए गए कोर्स के। तो पहला जो कोर होगा वो होगा कॉर्टेक्स X1 का, इसके बाद आपको ट्राई कोर्स देखने को मिलेंगे जो होंगे कॉर्टेक्स A78 बेस्ड, और फिर 4 लो पावर्ड कोर्स होंगे जो कि होंगे 4 कोर के कॉर्टेक्स A55 बेस्ड, यानी कि ऑक्टा कोर चिपसेट तो होगा लेकिन जो हाई परफॉर्मेंस कोर होगा वो कॉर्टेक्स X1 का होगा। फिर A78 के जो थोड़े मिड पावर कोर्स होते हैं जिनमें बैटरी एफिशिएंसी भी देखने को मिले वो A78 वाले होंगे, और टोटल फोन को रन करने के लिए और बैटरी लाइफ ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए A55 कोर्स को यूज किया जाएगा। जी हाँ, और सिमिलर ऐसा आर्किटेक्चर है ना स्नैपड्रैगन 875 भी यूज करने वाली है, और ऐसे ही आर्किटेक्चर एक्सिनोस 1000 भी यूज करने वाली है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि एग्जैक्टली कोर्स और CPU है ना सब कुछ नहीं होता, सारी चीजें डिपेंड करती है ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पे और जो एडिशनल फीचर्स होते हैं। स्नैपड्रैगन यहां आगे निकलता अपने ISPs के कारण, इसके अंदर जो AI का जो काम किया गया, जो DSPs का काम किया गया वो काफी अच्छा काम किया गया, इवन GPU जो आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के अंदर एड्रिनो वाला वो भी काफी अच्छा है। इवन दुनिया की काफी सारी जो गेम कंपनीज है वो गेम्स भी ऐसे बनाते हैं कि एड्रिनो GPU पे ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, इसलिए आपको एड्रिनो पे थोड़ी कंसिस्टेंट और स्टेबल फ्रेम रेट देखने को मिलता है, ये एक फायदा रहता है। इसके साथ ही बात की जाए तो ऑल एंड ऑल देखा तो स्नैपड्रैगन के ऊपर कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन एक्सिनोस भी इस बारे में कैच अप कर रहा है। और देखने वाली बात होगी अगर CPU परफॉर्मेंस के मामले में भी अगर एक्सिनोस आगे निकल जाए ना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात होगी देखने वाली। खैर सिर्फ इतनी बात नहीं है, दोनों ही चिपसेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम। जी हां, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ ही
आपको देखने को मिलेगा Exynos के प्रोसेसर के अंदर आपको AMD Radeon का GPU। जी हाँ, अभी ये सिर्फ रूमर है, कुछ लोग कह रहे 2021 में आएगा, कुछ लोग कह रहे लेट आएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर AMD अगर अपना GPU टेक्नोलॉजी Exynos चिपसेट के अंदर लाती तो डेफिनेटली जो चीज है ना, एक गेम चेंजर साबित हो सकती है Exynos के लिए। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हम जो Exynos को समझ रहे थे ना कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकता, तो जो सारी कहानी है ना तुरंत पूरी की तरह से बदल जाए। तो डेफिनेटली देखा तो अगले साल के जो मोबाइल फोन के प्रोसेसर होने वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले, और देखने वाली बात हो कि Exynos Snapdragon को फाइनली बीट कर पाता है कि नहीं कर पाता, Cortex X1 के प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस रहती है वो कितनी ज्यादा हाई देखने को मिलती है, और सबसे जरूरी चीज, क्या AMD का GPU एंट्री ले पाता है Exynos के अंदर या नहीं ले पाता, ये भी हम देखेंगे। तो आप लोग क्या लगता है, Exynos जीतेगा, Snapdragon जीतेगा? आपकी जो चॉइस है नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।